कोरोना वायरस की वजह से देश भर में हुए लॉकडाउन के बीच आगामी 27 मई से दिल्ली मेट्रो की सेवा शुरू हो सकती है। इससे पहले चरणबद्ध तरीके से ट्रेन, सिटी बस और हवाई जहाज की सेवा खोली जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन की वजह से बीते 22 मार्च से ही दिल्ली मेट्रो का परिचालन ठप है। दिल्ली मेट्रो से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कर्मचारियों को आगामी 26 मई को ही फुल स्ट्रेंथ के साथ कार्यस्थल पर उपस्थित रहने को कहा गया है। उस दिन कर्मचारियों को ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग की जा सकती है। इसके साथ ही आगामी 27 मई से ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। हालांकि अभी तक लिखित में अभी तक कुछ भी जारी नहीं हुआ है। इससे पहले भी 18 मई से मेट्रो रेल को चलाने की तैयारी की गई थी, लेकिन सरकार की तरफ से हरी झंडी नहीं मिलने की वजह ऐसा नहीं हो सका। मेट्रो का परिचालन जब भी शुरू होगा, इसका नज़ारा बदला होगा। अब मेट्रो में आपको पहले जैसी भीड़ नहीं दिखेगी। जब मेट्रो का परिचालन शुरू होगा तो एक कोच में अधिकतम 50 लोग ही सफ़र कर पाएंगे। सबसे लंबी 8 कोच वाली ट्रेन में एक बार में सिर्फ 400 यात्रियों को सफ़र करने का मौका मिलेगा। वहीं दिल्ली मेट्रो के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि ट्रेन या स्टेशन परिसर में शारीरिक दूरी बनाए रखने के फैसले की सख्ती का पालन होगा। लोग दूरी बरतते हुए खड़े होकर यात्रा करेंगे, लेकिन इस दौरान यात्रियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह 1 मीटर से दूरी बनाकर सफ़र करें। मेट्रो सुरक्षाकर्मी सीसीटीवी कैमरे के जरिए लोगों की निगरानी करेंगे। इसके अलावा सीट पर बैठने वालों को एक सीट छोड़कर बैठना होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेशंस मिलती रहें। टिल देन, लेट्स फोकस।